क्लास 10th एनसीईआरटी गिवन साइंस इन अ गिवन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड इन 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कितने दूर पे है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो किसके बराबर है 25 की। और हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी ली जाती, नेगेटिव ली जाती। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, हाइट जो कि मैं एच जीरो को बोल एच ओ बोलता हूं, वो कितना 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंथ है इसीलिए कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। अब हमें फॉर्मूला पता है कि 1 अपॉन बी लेंस के लिए 1 बाई बी और 1 बाई माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहाँ पे 1 बाई यू और एफ दोनों दिए हुए हैं, फोकल लेंथ एफ है, यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है एच जीरो। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद वी की वैल्यू आ जाएगी 16.66 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद 16.66, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम जो कि होता है माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस वी है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि यू है। तो यहां से इमेज की डिस्टेंस 16.66 है और यू कितना है 25, तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 0.66, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन ये भी होता है कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट ठीक है, इमेज हाइट को आई बोल देता हूं एच ऑफ आई और ऑब्जेक्ट हाई एच ऑफ ओ। अब एच ऑफ ओ क्वेश्चन में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई एम हम फाइंड करते हैं। तो यहां से एच आई कितना आ जाएगा एम इन टू एच ओ और वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3.3 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट आ गई। जो नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें, नेगेटिव साइड इन इमेज हाइट नेगेटिव साइन इन इमेज हाइट क्या इंडिकेट्स कर रहा है, इंडिकेट्स इमेज इज इन्वर्टेड इमेज मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्निफिकेशन में अगर नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब इमेज पीछे के डायरेक्शन में, अब लेंस के बिहाइंड है। अब अगर हम कर्व बनाना चाहें तो किस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे, ये अपना लेंस है, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर फोकस एफ वन, ये अपना 2F1 और ये अपना ऑब्जेक्ट AB, ये अपना F2 है, ये 2F2, ये O है, ये इमेज यहाँ से 2F2 पे इमेज बनेगी, 2F2 से पहले इमेज बनेगी जो कि कुछ इस तरह की होगी, जो किसका नाम है A' और B'। तो रे कुछ इस तरह से फॉल होगी इस पर और फिर इससे ऐसे मिलेगी, ठीक है। दूसरी रे आएगी जो कि सीधा सीधा सेंटर को कट करते हुए वहां से जाएगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये वाला पॉइंट क्या है, ओ है, ये आपका फोकस है और ये इस तरह से रे की डायरेक्शन से हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है 25 है, यू नेगेटिव लिया था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में,
ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 16.66 है, ठीक है। और ये वाली हाइट कितनी है, 3.33 है। ये वाली हाइट क्वेश्चन में दी हुई थी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सारा रे डायग्राम में सारी वैल्यूज को हमने कवर कर दिया कि कैसे कैसे रखा जाएगा। और निगेटिव साइन किसके लिए, कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है,